पूरी दुनिया भर की जो कलीसिया हैं वो परमेश्वर की आग को पकड़ रही हैं। The Church of Jesus is getting stronger and getting strengthened and और, rising up as a great army. और यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो सामर्थ से भर रही है बल से भर रही है और एक सेना के समान खड़ी हो रही है टूडे टूगेदर वी ऑल टूगेदर फ्रॉम द होली स्पिरिट वी

वार को मैं एक देश में था एंड अर्ली मॉर्निंग ने मुझे उठाया और मैंने देखा की पूरे विश्व भर की जो कलिसिया है वो मसीह की तरह बन रही है तैयार कर रहा है और मैं और आप जो उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं जो उसमें होना पसंद करते हैं वो उसके भाग हैं एंड वी आर बिकमिंग सो दैट वी आर किंडलिंग द फायर इन अदर्स और अब हम इतना उससे भर गए कि हम दूसरों में भी उस आग को लगा रहे हैं एंड मिलियंस आर गोइंग टू जॉइन अस और लाखों लोग जो हैं इसमें जुड़ जाएंगे ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड इज फ्लडिंग द अर्थ और महान एक ऐसी महिमा है जो परमेश्वर की जो इस पूरे पृथ्वी पर एक बाढ़ के समान आ रही है और पिछले दो तीन दिन से मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूँ मानो कि परमेश्वर की जो महिमा है जैसे कि पानी से पृथ्वी भरा हुआ है वैसे उसे, उसे भरते चली जा रही है एज व्यूर लर्निंग इफ यू है प्रेयर द इंटरसेप्शन इन दॉडी ऑफ क्राइस्ट मस्ट इनक्रीज और अगर हमने हमें मसीह के चरित्र में या मसीहियत में अगर बढ़ना है तो कलीसिया में जो मध्यस्थी है वो बढ़नी चाहिए प्रार्थना बढ़नी चाहिए मे बी ग्रेटर थिंग्स इन कमिंग ईयर्स द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट टू गेट प्रिपेयर और इसीलिए जो है परमेश्वर ने सैचुरेट 2016 का जो है अभिषेक किया है और आने वाले सालों में और ज्यादा करेगा ताकि प्रभु की कलीसिया जो है वो एक साथ खड़ी हो सके फॉर अस टू गेट दैट इंटिमेसी विद गॉड एंड टू राइज़ अप इन इंटरसेशन फॉर वन अनदर अब हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ उस नजदीकी में आए या हम मध्यस्थी में बढ़ें वी मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड हमें परमेश्वर के वचनों को समझना बहुत जरूरी है दी थी जो आज की कलिसिया के साथ बहुत ही अच्छी बैठती है एट ईयर बिफोर वेन आई वर्स इन दीडियर गोइंग टू वन नेशन टू अदर नेशन और uh, एक बार जब मैं किसी हाँ एक के देश के से दूसरे देश की ओर जा रहा था और मैं फ्लाइट में था इन एट ईयर्स बिफोर अस्सी साल पहले आठ साल पहले थैंक यू फॉर मेकिंग विद spirit. और आठ साल पहले मेरी आत्मा में मैं मानो इन प्रार्थनाओं ने मुझे जकड़ लिया एंड आई was led फॉर फ्यू hours टू इंटरसीड these prayers फॉर द बॉडी ऑफ Christ around द globe.

Also repeat them in a little more uh, Greek or Aramaic versions. और ये सारी जो प्रार्थनाएँ हैं मैं अलग-अलग versions में मैं आपको बताऊँ और उसके बाद में हम यहूदी, यूनानी या अरबीक में ये प्रार्थना का अर्थ क्या है हम ये भी देखें। He's added Arabic, so praise God. God. <laughs> so anyway, in our common versions that we, this is that let your love may increase more and more with the knowledge and depth of insight. I think's in NIV and KJV. So Paul is praying for the church in Philippines that the love may increase that I pray that your love may increase more and more with knowledge and depth of insight, that you may be pure and blameless till the day of Christ, filled with fruit of righteousness that comes through Jesus Christ <laughs> don't worry <laughs> yeah so you all can understand so see unless we get into intercession.

<laughs> सिर्फ पॉल नहीं लेकिन प्रेरित पॉल एंड दिस पॉल आई मीन अपोस्टल पॉल वाज लेड इन इंटरसेशन दैट द लव मे इंक्रीज मोर एंड मोर और प्रेरित पॉलूस को जो है मध्यस्थी में इसीलिए प्रभु ने उन्हें आगे बढ़ाया ताकि प्रेम जो है वो और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता चला आई डोंट नो अबाउट यू व्हेन यू डोंट सी सम लव इन somebody, आर यू मर्मरिंग एंड ग्रमलिंग और यू गेटिंग इनटू प्रेयर एंड इंटरसेशन और मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन अगर आप किसी के जीवन में अगर प्रेम नहीं देखें तो क्या आप उसे दोष लगाते हैं उसके बारे में हैं या या प्रेम जब आप किसी समस्या को देखते हैं किसी परेशानी को देखते हैं तो आप क्या करते हैं दोष लगाते हैं या करते हैं

और यही जो प्रार्थना है कुछ सप्ताह पहले मैंने एक अलग देश में कलीसिया में मैंने ये सिखाया था और वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने इस प्रार्थना को किया चर्च इज रेडी टू दिस और कलीसिया जो तैयार है कि उसे पाए बिकॉज चर्च इज राइजिंग अप इन द ग्लोब इन प्रया

और अगर हमारी चाहत है कि हम एक देश को मसीह के लिए जीते लेकिन अगर हम मध्यस्थी में प्रार्थना में या चरित्र में नहीं आगे बढ़े तो शायद से आगे जाकर हमारी जो कश्ती है वो डूब सकती है यहाँ पर ये जो वर्जन में लिखा है कि मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ For your love to grow and increase more and more until it overflows. ताकि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार में ये बढ़ते चले जाए जब तक कि वो बहने नहीं लगे मैं the spirit grip right now. और होने देखिए अभी पवित्र आत्मा आपके हृदय को इस बात से जकड़ गेट ऑफ प्रेयर एंड बिगिन टू इंटरसीड लव ऑफ गॉड वुड अनदर वुड इंक्रीज मोर एंड मोर ताकि हम प्रार्थना में ताकि हम अपनी आत्मा में प्रार्थना में हम बढ़ें ताकि एक दूसरे के लिए हमारा जो प्रेम है वो और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता चला जाए यू नो वन ऑफ द थिंग दैट जीसस वाज टीचिंग इन जॉन चैप्टर 14 15 एंड स्पेशली इन 15 ही सेइंग दैट यू वुड ओबे माय कमांड और युना 14 15 में जो है एक बात जो मसीह ने सिखाई और 15वें वचन में खास तौर से कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे सो दैट यू मे ओबे माय कमांड एंड एंड

और यही मेरी आज्ञा है यही यही मैं कहना चाहता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो सी फॉर फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव टुगेदर इटर्नल इन हेवन दिस वन क्राइटेरिया वेरी मच इज रिक्वायर्ड व्हिच हैज टू बिगिन ऑन दिस अर्थ फर्स्ट इज अ लव फॉर वन अनदर बिकॉज़ इफ वी आर नॉट इंक्रीजिंग इन अ लव फॉर वन अनदर हियर ओ ब्रदर इज सो डिफिकल्ट टू बी देयर और एक बात जो बहुत जरूरी है कि अगर हम आज इस पृथ्वी पर रहकर अगर एक दूसरे के प्रति अगर हमारा प्रेम नहीं बढ़े तो स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल होने वाली है सो इट्स गॉड इज वर्किंग इन हिज चर्च हियर ब्रेकिंग डाउन सम बैरियर्स एंड गिविंग अस हार्ट ऑफ लव फॉर ईच अदर एंड व्हाट गॉड वांट्स टू डू एन एनिमी इज डूइंग ऑपोजिट इन हर्टिंग अस अगेंस्ट ईच अदर और यहाँ पर परमेश्वर जो कलीसिया में करना चाहता है परमेश्वर कई दीवारों को गिरा रहा है वो हमें एक साथ लाना चाहता है लेकिन जो शत्रु है वो उसी का उल्टा कर रहा है वो है एक वो चाहता है कि हमें ठेस पहुंचे और हम हम एक दूसरे से अलग हों एंड यू एंड आई सी देर इज समर्ट्स एंड क्रैक्स इन पीपल्स हार्ट अगेंस्ट इच अदर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ पेन इरिटेशन अनफर्गिवनेस बिटरनेस Then you and I, who are true disciples of Christ, who are bearing much fruit, must rise deeper in prayer so that the church, in spite of all the storms that are coming against one another, we would rise up in the strength of the Lord inside of us. In every storm that we can become strong. हर एक तूफान में हमें मजबूत होना जरूरी है Every storms are designed to make us strong. Storms that our enemy brings to destroy us, but God will use those storms to make us strong. और हर एक जो तूफान है उसे ले वो हमारे जीवन में इसीलिए आती ताकि हम और सामर्थी और मजबूत हो सकें और हर एक तूफान या हर एक बात जिसे शत्रु हमारे जीवन में लेकर आता परमेश्वर उसे बदल देगा ताकि हम उसके द्वारा हम और सामर्थी बन सकें. When you become strong in the midst of storms, You can smile at your storms and fly high above the storms. That's why Ephesians chapter 3, verse 14 onwards, verse 16. There is a prayer that God may strengthen your inner man with power through his spirit, that Christ may dwell in your hearts of faith, that you will be rooted and grounded in his love. That you may have power together with other saints, that you may know the height and the depth and the width and the length of His love, love the surpasses knowledge, that you will be filled with all the fullness of God. और एपिस्टोमस ke तीसरे adhyay या 14:1 और 16:9 और 16 से लेकर अगर हम लोग आगे पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उनके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के के सामर्थ को में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बस बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और 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 नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ की उसकी और 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 कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है ग्रेट दैट फॉर यू अलाउड टू यू नीड स्ट्रेंथ इन साइड और ताकि आपका प्रेम बढ़े इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ हो एंड दैट स्ट्रेंथ दैट इन योर इन मैन टू ग्रो फॉर यू टू बिकम स्ट्रांग इन साइड योर स्पिरिट देर इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर और आत्मा के मनुष्यत्व में सामर्थ्य होने के लिए सामर्थ्य अगर आपको और मुझे होना है तो उसके लिए प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आफ्टर द ग्रेट हैीजन फॉर गॉड टू गिव इन दिस बुक ऑफ रेवल ऑफ एफिशियंस एंड इन दैटर्स रिकॉर्डेड होल स्प्रिट गेव एंड दोन वी कैन ग्रो इन दैट रेवलेशन ऑफ गॉड और की पत्री जो है जो इसके पहले की प्रेरित पौलुस को इसका प्रकाशन आता पांच साल कुछ थियोलॉज हैं जो कहते हैं कि पांच साल पॉल जो है वो, वो आ, आ, बंदी गृह में रहे और उस समय में पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गई प्रार्थनाएं हैं जो इफिसो की पत्री में लिखी गई he would pour out over you the unlimited riches of his glory and favor until supernatural strength floods your inmost being with his divine might and explosive power. yeah okay and i pray that he would pour out over you

with the secure foundation that grows and grows और एक ऐसी बुनियाद में आप रहोगे जो सिर्फ बढ़ती चली जाएगी then as your spiritual strength increases you will तुम्हार... be empowered to discover what every holy one experiences और जब तुम्हारे तुम्हारे आत्मिक सामर्थ्य जो है जब वो बढ़ेगा तब तुम जानोगे या इसे पहचानोगे कि पवित्रता में उसका उसका अनुभव लेना क्या है let me make it really easy for you थोड़ा और आसान मैं आपको इसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनसाइड ऑफ अस मस्ट इंक्रीज हमारा आत्मिक हमारी जो सामर्थ है वो बढ़नी चाहिए गॉड वांट्स आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनसाइड टू इंक्रीज टिल इट बिकम्स एक्सप्लोजन प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो सामर्थ है वो बढ़े जब तक कि वो एक बड़ा सा धमाका नहीं हो जाए सो वन ऑफ द वे टू इंक्रीज द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज द होली स्पिरिट लेड प्रेयर्स और अंदर के मनुष्य के सामर्थ्य को बढ़ाने की का एक जो जरिया है वो वो ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से प्रेरित हम सभी आत्मा से भरे हैं तो हम आत्मा के गीत गाना हम जानते हैं हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना हम जानते हैं

और फिर परमेश्वर के वचन की जो गहराइयां हैं वो हमें समझ में आती है अंडरस्टैंडिंग दैट द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनसाइड ऑफ अस मस्ट इंक्रीज और एक समझ जो हमें आ जाती है वो ये है कि हमारा हमारा आत्मिक जो जीवन है उसे सामर्थ्य होना बहुत जरूरी सो गेट अ ग्रिप ऑफ दिस प्रेयर तो इस बात को आप समझ लें थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस प्रेयर इस प्रार्थना को याद करने की कोशिश दैट आई प्रे जिसे मैं प्रार्थना करता दैट यू मे बी इन योर इनर मैन विद पावर

ताकि तुम बलशाली हो इन योर इनर मैन तुम्हारे अंदर के मनुष्य विद पावर सामर्थ्य थ्रू स्पिरिट उसकी आत्मा के द्वारा दैट क्राइस्ट में ड्वेल इन माई हार्ट थ्रू फेथ ताकि मसीह मेरे मेरे में रहे विश्वास के द्वारा। See, as a of me to तो मसीह जो है मेरे द्वारा uh, कार्य को करना शुरू आई एम वीक इन माई स्पिरिट क्राइस्ट वुड नॉट मैनिफेस्ट थ्रू मी तो इसीलिए जब मैं और आप अपनी आत्मा में अगर हम कमजोर हो तो

वर्स वचन के के आगे गॉड फिल यू विद विद द नॉलेज ऑफ़ विल ऑल स्पिरिचुअल एंड अंडरस्टैंडिंग ताकि परमेश्वर अपने इच्छा के अपने इच्छा अनुसार अपनी बातों को अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार आप में भरे ये प्रार्थना है जो हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए

अपनी इच्छा के समझ के द्वारा with all and सारी आत्मिक uh, समझ के साथ four are there that I may walk of God. चार बातें हैं ताकि मैं परमेश्वर के साथ, uh, सही तरीके से चल सक फील्ड नॉलेज ऑफ इज विल क्यों जरूरी है कि मैं उसके uh, समझ के या उसके इच्छा के समझ से अपने जीवन when में गेट फिल्ड विदलेज ऑफ इज विल इच्छा को या कौन सी बात प्रसन्न करती है मेरे जीवन से अगर इस बात को समझ पाऊन आई अंडरस्टैंड गाइफ और जब मैं परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन के लिए समझ पाता हूँ नॉलेज ऑफ इज विल In other words, that I may understand His pleasure over my life. और ताकि मैं गहराइयों में जाकर जब मैं उसके और करीब आऊँ, उसके और निकट आऊँ, और से पूछूँ कि प्रभु तेरी इच्छा की समझ या प्रभु तेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन से प्रभु वो तो मुझे समझा। That enables me to walk worthy of Him. तो वो मुझे काबिल बनाएगा कि मैं उसके योग्य बन सकूँ। See, when I understand His will for me, that I am able to walk worthy of Him. जब मैं उसकी योजना को या उसकी इच्छा को समझता हूं तभी मैं उसके योग्य बन सकता हूं प्लीज इम इन एवरी वे

और हर बात में हर भले काम में फलवंत होना अगर हम एन आई वी या के में लिखें तो तो उसमें ऐसा बताया गया है नॉट इन दैट व्हाट इज रिटर्न एज अ फ्रूट बैरिंग इज एक्चुअली इन ग्रीक इज दैट आई लर्न आई बिकम फ्रूट बैरिंग ब्रांचेस और उसमें जो लिखा गया उसका अर्थ यह है कि मैं एक ऐसी डाली बन सकूं जो फलवंत हो सी गॉड वॉन्ट्स ऑल ऑफ टू बी देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी जो है हमारे जीवन से बहुत फलवंत हों। जॉन फिफ्टीन 15 you may be my disciples. में ऐसा लिखा गया कि अगर तुम फलवंत होगे तो तुम्हारे जीवन से मेरे पिता को महिमा मिलेगी एंड वी आर द फ्रूट bearing ब्रांचेस bearing मच फ्रूट फॉर गॉड और हम ऐसी डालियां हैं जो परमेश्वर के लिए फलवंत होती है और कई ज्यादा फलवंत होती फॉर अस टू बी फ्रूटफुल एंड टू बेयर मच फ्रूट द क्राइस्ट लाइक स्ट्रेंथ टू इंक्रीज इन अस और ताकि हम फलवंत हो और कई सारे फलों को परमेश्वर के लिए लेकर आए तो मसीह का जो चरित्र है वो हम में बढ़ना जरूरी है एंड फोर क्राइस्ट एनर्जी टू मैनिफेस्ट थ्रू अस वन ऑफ है ज ऑफ इज विल और परमेश्वर के यश मसीह की सामर्थ्य उनकी एनर्जी ये सब अगर हमें बढ़ना है तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह के ज्ञान में या उसकी इच्छा के आ, आ,

जब अपनी सामर्थ्य से जब परमेश्वर मुझे बल देता है ताकि मुझमें साहस और सहन शक्ति जो है वो बढ़ जाए हर एक परिस्थिति साहस और जो पेशेंस है मेरे जीवन में बढ़ेगा थ्रू माई इंटीमेसी विद गॉड When you in your inner man become strong, then you have great endurance and patience in all circumstances. Otherwise, you know what happens when the patience in, you know, in, your, in your life. और जब मसीह हमारे अंदर है जब उसका उसका चरित्र हमारे अंदर है तभी जो है हम साहस में या पेशेंस में हम सहनशीलता में हम आगे बढ़ सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझते हैं कि जब हमारी सहनशीलता जब खत्म हो जाती है तो क्या होता है समटाइम वी लूज पेशेंस नॉट ओनली वी बिकम पेशेंट वी मेक अदर्स पेशेंट कई बार जब हम हमारे सहन शक्ति को हम खो देते हैं तो हम खुद ही पेशेंट नहीं हो जाते हम दूसरों को भी पेशेंट बना देते हैं

बहुत सारे जो कार्य काम जो हम करते हैं वो हमारे असहन शक्ति के कारण होता है एंड कैसे हम सहन शक्ति को पाए या साहस को पाए स्ट्रेंथ इन योर इन दैट यू मे है फादर

और अमेरिका में कलिसिया से बात की और अमेरिका की जो कलिसिया है वो अपनी समझ में इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर के साथ संबंध तुमने खो दिया और उस कलिसिया ने उस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए जरूरजन पीपल थ्री मिनट और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास समझ तो बहुत है लेकिन अभी जरूरी है कि भारतीय व्यक्ति आए और तुम्हें परमेश्वर के सामर्थ को सिखाए वहां पर हर पास्टर जो है लगभग तीन मिनट की ही प्रार्थना करता है एंड न्यूज इज दैट दे एक्सेप्टेड विद टीयर्स और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को आंसुओं के साथ उन्होंने ग्रहण की रोट डाउन द नोट्स एंड सेंट टू अदर पीपल और उन्होंने बातों को उन्होंने लिखा और दूसरे पास्टरों को उन्होंने भेजा एंड दैट और दूसरी जो राष्ट्र हैं वो भी समझ को पा रहे हैं good news is India Bombay is getting that और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि भारत और मुंबई उस बात को समझ रही है समझ रहे हैं We are understanding इज द ट्रूथ हमें ये बात समझ में आ रही है सच्चाई हमें समझ में आ is increasing

प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को वचन को हमारे दिनचर्या में लेकर आता बिटवीन नॉलेज एंड रेवलेशन बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिस दर इज प्रेयर समझ

उसका तीसरा अध्याय अलग अलग वर्जन को आप खोलें, पढ़ें और समझे वर्जन ट्रांसलेन यू कैन गेट इन एमेजो यू नो इन दिस download. और यू कैन परचेज दिस पैशन ट्रांसलेशन विच हैज मोर क्लोजर टू द ग्रीक एंड जो पैशन ट्रांसलेशन का जो वर्जन है वो मैं चाहूँगा कि आप इसे भी देखें ये अमेजन या कहीं पर भी आपको मिल सकती है और ये यूनानी या यहूदी यूनानी और आरमिक ये जो, जो 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 लिखा गया है उसके बहुत ही करीब है इसका ट्रांसलेशन या उसका अनुवाद यू कैन गेट दर्ड वेरी वेरी क्लोजर टू दिजिनल और जो जो ओरिजिनल uh, है उसके बहुत ही करीब uh, ऐसा उसका अनुवाद किया गया है तो आप और भी बेहतर तरीके से, से समझ पाएंगे योर इन और अन्य भाषा में अपने प्रार्थना के संग एलोंग विद योर डीप वर्शिप एंड प्रेजर प्रेजर्स और अपने अपनी गहरी आराधना और अपनी स्तुति के साथ बिगिन टू यूज दिस प्रेयर दिब्लिकल प्रेस इंटरसिट फॉर

It says that that I pray that your love may increase for one another with और, और यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे के प्रति जो है तुम्हारा प्रेम जो है वो बढ़े ताकि तुम समझ और उसकी गहराई को समझ पाओ when you increase in your love for one another? क्या होता है जब हम एक दूसरे के प्रति हम प्रेम में बढ़ते हैं तब

प्रेम बढ़ता है तो हम प्रकाशन के बहुत ही लंबे या ऊंचे स्तर पर प्रेम जो मेरे प्रति है ओपे मी द्वारा मेरी आज्ञाओं को मानो माई वर्ड मेरे वचनों को मानो वी नो दूपे और ये हम जानते हैं कि अगर हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है तो ये जरूरी है कि हम उसके प्रेम में पढ़े एंड वी कैन फॉलो इन लव जीजस इज ओनली बाई द स्पिरिट और हम परमेश्वर से प्रेम तभी कर सकते हैं जब जब आत्मा हमारी सहायता करे गॉड हेज इज लव इन बाई स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ गॉड ग

और मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब मैं में बना रहूंगा और अपने आप को तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट का संबंध है परमेश्वर के साथ उसमें हम हम आज्ञाकारिता को हम सीखते हैं और आज्ञाकारिता क्या है वो यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम लॉ एंड इन कमांडमेंट टू कमांडमेंट्स लव एंड अदर हम जानते हैं कि परमेश्वर जो जो जो, जो सारी हैं या जितने भी नियम हैं वो बस एक ही बात से लटकी हैं वो ये है कि परमेश्वर से प्रेम प्रेम करो और एक प्रेम करो other, और एक दूसरे से जब एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है वो, वो प्रकाशन के नए आयामों में हमें लेकर आता है एंड रेवलेशन यू विल कम टू नो गॉड फुल्ली एज टू यू

God imparts to us his ways. And this will help us, this will enable us to choose the most excellent way of all. Becoming pure and without स until the unveiling of Christ. और हमें समझाएंगे और हमें योग्य बनाएंगे कि हम उसे समझ सकें जब तक मसीह अपने आप को पूर्णता अपने प्रकट words, the purity increases. और दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो शुद्धता जो है हमारे जीवन में and unoffended attitude of our heart.

और जितना ज्यादा मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करूं कि वो मसीह में बढ़े उतनी ही बढ़ोतरी जो है मसीहियत में मेरी भी और की तरह ये जरूरी है कि हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ, आगे टुगेदर वी फॉर और एक साथ हम हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी है और मैं देखता हूं कि परमेश्वर की जो महिमा है वो हमारे देश पर आ रही है क्योंकि जब उसकी कलीस या प्रार्थना में एक साथ बढ़ेगी एंड व्हेन वी बी गेट सैचुरेटेड इन प्रेयर और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए इसके मध्यस्थी में हम खो जाएं एंड आवर लव फॉर वन अनदर इंक्रीजेस और जब एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेदर इन यूनिटी और जब हम एकता में बिना ठोकर खाए जब हम खड़े हों, तभी हम एक साथ हमारे देश के लिए प्रार्थना कर सकते nation, और फिर तब हम देखेंगे कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे देश को भरती जा रही है और जब परमेश्वर की महिमा हमारे देश पर

क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो है एक बाढ़ के समान हमारे देश देश पर पर खुला हुआ स्वर्ग हमारे देश पर होगा। और लाखों की तादाद में लोग मसीह के पास आएंगे खड़े हो कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे और होने कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग हमारे हृदयों को जकड़ ले Jesus, let your glory flood our lives.